आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कामा का। आपने अब तक कितनी शादियाँ कराई? 5 शादी करा चुका हूँ अभी तक। अच्छा, कैसे कैसे कराई थी वो? मेरे साथ के रहने वाले हैं, जो मेरे यार दोस्त हैं उनकी शादी करवाई थी मैंने, तो उनके पैसे जो जमा करवाए थे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि लोग जो अफवाह फैला रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, लड़कियों की शादी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, 2 लड़कियों की शादी कंप्लीट हो चुकी है, 3 लड़कियाँ अभी बाकी हैं। कितने रुपए जमा कराए थे आपने? 153 के करवाए थे। अच्छा, तो फिर कितने दिन बाद शादी हुई थी? शादी 1 महीने के बाद हुई थी। ऐसा कोई मामला कि हिंदू को मुसलमान बनाने की, जैसे यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है? जो अफवाह ये फैला रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं मेरे साथ के 3 शादी करवा चुका हूँ और 2 अभी बाकी हैं, और 2 अभी और करवा रहा हूँ, अभी एंट्री करवाऊँगा आज या कल में। अभी तक ऐसा मामला मेरे सामने कुछ आया नहीं है कि धर्म परिवर्तन जो भी है अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मुस्लिम लोगों की भी शादी होती है उसमें? हाँ, खूब हो रही है, मुस्लिम लोगों की शादी खूब हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। अच्छा, हिंदू मुसलमान सभी की शादी होती है? हाँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, गरीब लोगों की भी खूब शादी हो रही है, और गरीबों को नहीं है ये। अच्छा, गरीबों की शादी कराई जा रही है ज़्यादातर? आपका नाम क्या है? जी, मेरा सुरेश सैनी। गाँव? गाँव कामा। आप कहाँ के रहने वाले? हम साहब कामा के रहने वाले। यहाँ पे जो शादी कराई जा रही है किस तरह कराई जा रही है? ये साहब अपने सामूहिक प्रोग्राम हो रहे हैं, और इसमें बच्चे और बच्चे की दोनों की आधार कार्ड देख के बाकायदा बालिक है या नाबालिग है इस चीज़ की पूरी कार्यवाही करके तब उसकी विवाह का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि अगर कोई हिंदू समाज से वहाँ पे जाता है तो उसको मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता है, क्या ये अफवाह कैसी है आपकी नज़र में? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हिंदू और मुस्लिम ये दोनों को समानता मिल पाए इसलिए उस संस्थान के हिंदुओं को भी बढ़ावा देने के लिए, ना कि मुस्लिमों को, ताकि हिंदू भी उनका उन लोगों का भी फायदा हो, इसलिए उस संस्थान ने दोनों हिंदू और मुस्लिम। अच्छा, अमीर लोगों से इनका कोई वास्ता नहीं, गरीब सभी जो शादी कराई जा रही है गरीबों की कराई जा रही है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके लिए समान है, और कोई भी भाई आके अपना फार्म यहाँ पे आके भर सकता है। कहाँ पे हो रही है? अच्छा, कहाँ पे हो रही है शादी? नीमला में हापत जी हैं। अच्छा, वो उनके पास मतलब इसका रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। कुछ लोग भी कहते हैं फ्रॉडबाजी हो रही है, पैसे लेकर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ मामला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो इन्होंने हजारों जोड़ों की शादी अब तक करवा दी है, अगर ऐसा होता तो वो मुमकिन ही नहीं हो पाता। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या क्या मिलता है? फ़ायदा ये है उसमें अपना जो बचत है पैसे की, और जो सामान की क्वालिटी है वो लोग अच्छी मिल रही है यहाँ पे, और बाकी जो सामान बाजार में जो 50 रुपये का सामान है वो लोग ये 25 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ये इन लोगों की बहुत काबिल तारीफ़ है, और इससे सभी का ही फ़ायदा हो रहा है। जो अफवाह फैला रहे हैं कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मेरे को कोई बोलने लग जाए मेरे को मुसलमान, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ तो मैं मुसलमान थोड़ी बन जाऊँगा किसी से कहने से करने से। हाँ, अगर मेरी इच्छा करेगी तो मैं मुसलमान भी बन जाऊँगा। सही बात। कोई दबाव ऐसा कुछ? कोई दबाव नहीं है ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह। तुम लोगों को कैसे? हाँ,